हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंट है और काफी बार इसके अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है, लॉ ऑफ इक्वी मार्शल यूटिलिटी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका इंग्लिश और हिंदी के अंदर लेक्चर जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट टू द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी रेलेवेंट, अगर हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसको एग्जाम के अंदर हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर देखो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले आपने मीनिंग बताना है, फिर डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद आपने मॉडर्न स्टेटमेंट जो के जिसको हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, एग्जाम्पल इसके अंदर नहीं देने क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ये क्वेश्चन जो है आपको 35 मिनट्स के अंदर जो है लिखना है, फिर उसके बाद आपने अजम्पशन देनी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन टेबल बनाना है, टेबल की आपने समराइज वे में एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर उसके बाद आपने एक ग्राफ बनाना है जिसके अंदर आपने बताना है कि जो कंज्यूमर है अपनी लिमिटेड इनकम को किस ढंग से स्पेंड करेगा। फिर उसी तरह क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन है तो वहां पे आपने बताना है कि किसी और तरीके से अगर वो स्पेंड करता है तो वो ग्राफ बना के दिखाना है, वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो डिस्कस का मतलब है कि इसके साथ आपने क्रिटिसिज्म भी देना है, बाकी सारी चीजें देनी है, मीनिंग, डेफिनेशन, मॉडल स्टेटमेंट, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन, टेबल, ग्राफ और क्रिटिसिज्म भी देना है। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन या एडवांटेजेस जो है अगर पूछी जाए तो बतानी है। इस वीडियो के अंदर मैंने सिग्निफिकेंस डाली है ताकि हम पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लॉ है फ्रेंच इंजीनियर गॉसन ने दिया है, इसको गॉसन सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। तो ये लॉ हमें बताता है कि हमारी जो इनकम होती है लिमिटेड होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है क्योंकि ये लाइन लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारा क्वेश्चन लिखा है बट मैक्सिमम नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कट गए थे, मैंने सेटिस्फेक्शन लिखा था। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर है वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग कमोडिटीज के अंदर इस ढंग से स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपी वो स्पेंड करता है इच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है कि अगर वो एक कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करता है तो लास्ट रुपये वो एक कमोडिटी के ऊपर, लास्ट रुपये वो बी के, लास्ट रुपये वो सी, तो सबसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है बराबर होनी चाहिए, तब भी उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर हमारा रैशनल है, लिमिटेड इनकम है, तो वो अपने जैसे मान लो चार प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, चार कमोडिटीज खरीद रहा है ए बी सी डी, तो वो इस ढंग से अपनी लिमिटेड इनकम को ए बी सी डी के बीच में एलोकेट करता है कि जो लास्ट रुपये वो ए पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपये वो बी पे स्पेंड करता है, जो लास्ट रुपये वो सी पे स्पेंड करता है और जो लास्ट रुपये वो डी से स्पेंड करता है, उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है बराबर होती है। तो ये आपने जब क्वेश्चन आता है तो ये डिफरेंट नेम्स बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूम करेंगे, तो ये वैसे ही राधे के जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये उनके लिए रेलिवेंट है। लेफ्ट वेज जो है इसको जनरल प्रिंसिपल फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, प्रोफेसर हिब्न ने इसको लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर कहा है। रैशनल कंज्यूमर जो है बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है और उसको होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, और लॉर्ड रॉबिन्स ने इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा है क्योंकि ये इट अप्लाइज टू द ऑल सेक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये वाला पार्ट जो है आपने स्किप कर देना है एग्जाम के अंदर। अब देखो जो डेफिनेशन है वो आपने मार्शल की लिखनी है, बच्चे क्या करते हैं सैमसन की डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि सैमसन की डेफिनेशन सिंपल है। सैमसन की डेफिनेशन आपने मॉडल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के अंदर लिखनी है।
मार्शल के अकॉर्डिंगली इफ ए पर्सन हैज ए थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, कि जैसे उसके पास एक चीज है जो अलग अलग चीजों में इस्तेमाल हो सकती है, तो अलग अलग चीजों के अंदर वो इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हर एक यूज के अंदर उसको सेम मार्जिन मिले। इफ ए पर्सन हैज ए थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच ए वे दैट ही हैज द सेम मार्जिन ऑन ऑल यूजेस। अकॉर्डिंग टू सैमसन, ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड दी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। जैसे यहां पे हम देखते हैं मार्जिनिटी ऑफ वन कमोडिटी, तो रेशियो बिटवीन दी मार्जिनिटी एंड प्राइस ऑफ दी वन कमोडिटी, दी रेशियो बिटवीन दी मार्जिनिटी ऑफ टू एंड प्राइस ऑफ टू, मार्जिनिटी ऑफ थ्री एंड प्राइस ऑफ थ्री, दे आर इक्वल। और अगर तीनों की प्राइस सेम है, मान लो वन रुपी है, तो यहां पे मार्जिनिटी ऑफ वन इज इक्वल टू मार्जिनिटी ऑफ टू विच इज इक्वल टू मार्जिनिटी थ्री। तो ये मॉडर्न, इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है कि एक पर्सन जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है तो वो इस ढंग से एलोकेट करता है जहां पे उसकी वेटेड यूटिलिटी जो है इक्वल है, जब मार्जिनिटी ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनिटी ऑफ द अदर कमोडिटी डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, दे आर इक्वल। मार्जिनिटी ऑफ वन डिवाइडेड बाय प्राइस वन, मार्जिनिटी ऑफ टू डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टू, मार्जिनिटी ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय प्राइस थ्री, ये इक्वल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम के अंदर आपने इसको नहीं लिखना। सपोज प्राइस ऑफ एप्पल इज 50 पैसा एंड ही बाइज 10, जो है वो 10 जो है बेसिकली एप्पल परचेज करता है, तो 10th एप्पल से उसको 6 यूटिलिटी मिलती है, तो 6 को हमने 50 पैसा से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाती है 12। और बनाना की कीमत जो है 25 पैसा है और वो 12 बनाना खरीदता है और जो लास्ट 12वां केला जो खरीदता है उससे उसको यूटिल मिलते हैं 3, तो 3 को हमने 0.25 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाता है 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर वो 10 एप्पल खरीदता है और जो वो 12th बनाना खरीदता है, तो जो लास्ट एप्पल है और जो लास्ट बनाना है उसका जो रेशियो है मार्जिनिटी और प्राइस का बराबर है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, अगर हमने चाय पी है, कॉफी पी है, उससे कितनी यूटिलिटी मिली है तो हम बता सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कंज्यूमर जो है ऑलवेज रेशनल है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो हमेशा कंपेयर करता है कि उसको किससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। और इनकम हैबिट इज फैशन एंड प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है। और कमोडिटीज को हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर ले सकते हैं, कंजम्पशन जो है गिवन पीरियड के अंदर होती है, और जो एक कमोडिटी की यूटिलिटी है वो दूसरी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को प्रभावित नहीं करती। यूटिलिटी ऑफ द गुड्स दे आर इंडिपेंडेंट। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो कंज्यूमर है उसके पास लिमिटेड पैसे हैं, 5 रुपीज है, तो यहाँ पे उसने उसको मैंगो और एप्पल के अंदर एलोकेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनिटी ऑफ एप्पल दे रखी है, यहाँ पे मार्जिनिटी ऑफ मैंगो दे रखी है, तो यहाँ पे ही इज रैशनल कंज्यूमर, तो एप्पल से उसको ज्यादा मिल रही है तो वो इस पे स्पेंड करता है। फिर वो जो 2nd रुपी है वो मैंगो से खर्च करता है, 3rd रुपी वो एप्पल पे खर्च करता है, और 4th रुपी वो मैंगो पे खर्च करता है, और 5th रुपी वो एप्पल पे खर्च करता है। तो 3 रुपए वो एप्पल पे खर्च करता है और 2 रुपए जो है वो मैंगो पे खर्च करता है। जो लास्ट रुपी इस पे स्पेंड करते हैं और जो लास्ट रुपी वो एप्पल पे स्पेंड करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी बराबर है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये इस टेबल की एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो 3 रुपए जो है एप्पल पे स्पेंड करता है और 2 रुपए मैंगो पे स्पेंड करता है, 12 + 10 + 10 + 8 + 8 = 48 है। तो ही स्पेंड्स ₹3 ऑन एप्पल, तो यहाँ पे वो 3 रुपए जो है एप्पल पे स्पेंड करता है और 2 रुपए वो मैंगो पे स्पेंड करता है। अगर वो इस ढंग से स्पेंड करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 रुपए वो एप्पल पे स्पेंड करता है और 2 रुपए वो मैंगो पे स्पेंड करता है। अगर वो इस ढंग से जो है स्पेंड करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है।
क्योंकि जो लास्ट रुपये वो मैंगो पे स्पेंड करता है वहां से उसको ₹8 मिलती है, जो लास्ट रुपये वो एप्पल पे स्पेंड करता है वहां से भी ₹8 बराबर है, तो ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बट अगर वो ₹2 एप्पल पे स्पेंड करता है और ₹3 मैंगो पे स्पेंड करता है, तो यहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी है 12 + 10 + 8 + 6 + 10, तो वो 46 है, वो 48 नहीं है। तो अगर वो ₹3 एप्पल के ऊपर स्पेंड करता है और ₹2 मैंगो पे स्पेंड करता है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लेना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मनी है, इधर हम मेजोरिटी ऑफ एप्पल कैलकुलेट करते हैं, इधर भी यूटिलिटी ऑफ मनी है 1 2 3, ये सारे इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, तो इस तरह से पहले हम मेजोरिटी ऑफ एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ₹3 अगर वो स्पेंड करता है, और उसी तरह हम इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो लाइन है अगर वो इस ढंग से एलोकेट करता है, ₹3 वो एप्पल पे स्पेंड करता है और ₹2 मैंगो पे स्पेंड करता है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इसी का आपने इसी तरह इसको भी एक्सप्लेन कर देना है। फिर मैंने आपको बताया था अगर एक्सप्लेन आता है तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ग्राफ भी आपने देना है। यहाँ पे फिर अगेन यूनिट्स ऑफ मनी, यहाँ पे हम मेजोरिटी ऑफ एप्पल कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेजोरिटी ऑफ मैंगो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये यूनिट्स ऑफ मनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अगर ₹3 जो है वो अगर मैंगो पे स्पेंड करता है तो उसको इतना गेन होता है, और इधर क्या है कि वो ₹2 ही स्पेंड करता है तो उसको लॉस इतना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉस है वो गेन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ₹3 जो है एप्पल पे स्पेंड करेगा और ₹2 मैंगो पे स्पेंड करेगा, तभी उसको जाके जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म है आलोचना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी है उसको क्रिटिसाइज किया है। अगर क्वेश्चन डिस्कस आता है तो क्रिटिसिज्म लिखना असेंशियल है। देखो जो कंज्यूमर होते हैं रैशनल नहीं होते, रैशनल का मतलब होता है वाइज, सियाना। कंज्यूमर जो होता है रैशनल नहीं होता, हमेशा उसका उद्देश्य मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और हम कई बार इम्पल्सिव भी परचेजिंग करते हैं कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है, चाहे वो नहीं चाहिए, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, पर स्टिल हम उसको परचेज करते हैं। और उसी तरह कंज्यूमर जो है कैलकुलेटिंग मशीन नहीं है कि जो बाजार में जाता है और हमेशा यूटिलिटी को कंपेयर करता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन चीजों जो चीजें हमें चाहिए, जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती हैं, वो चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती। उसी तरह जो चीजें हम परचेज करते हैं उसपे फैशन, कस्टम एंड हैबिट का भी प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह ये जो लॉ है उन चीजों को भी एप्लीकेबल नहीं है जिनको हम स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर जैसे देखो हमने एटलीस्ट 1 यूनिट ऑफ कार, 1 यूनिट ऑफ टीवी, तो इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है नहीं डिवाइड कर सकते। तो जो चीजें इंडिविजिबल नहीं है उस पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरह देखो क्या होता है कि जैसे ये कहता है कि बजट पीरियड जो है डिफाइंड है, बजट पीरियड वो होता है जिसके अंदर कंज्यूमर जो है अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर जो है चीज परचेज करता है। देखो कई बार हम टीवी खरीदते हैं एक बजट पीरियड के अंदर, बट उसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है, तो इसके मॉड्यूलिटी को हम दूसरे के मॉड्यूलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी तरह कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमें इतनी यूटिलिटी मिल रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, जैसे जैसे पैसे का स्टॉक कम होता जाता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी बिल जो है। उसी तरह ये जो लॉ है, लॉ जो है कंप्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टूगेदर, उसके अंदर भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या इसकी एप्लीकेशन अगर पूछा जाए तो बताना है। ये मैंने वैसे इसके अंदर कवर कर दिया है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं कि कंजम्पशन के अंदर किस तरह से है। देखो कंजम्पशन के अंदर क्या होता है कि लिमिटेड इनकम होती है और हमने अलग अलग कमोडिटीज परचेज करनी होती है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है डेट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो अपनी इनकम जो है अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो लास्ट यूनिट ऑफ द मनी है वो ईच कमोडिटी, जैसे ए पे वो जितने भी पैसे स्पेंड करता है उसका जो लास्ट रुपी है, जो लास्ट रुपी ए का है, जो लास्ट रुपी सी का है, जो लास्ट रुपी डी का है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है बराबर है।
उसी तरह देखो जो प्रोड्यूसर है वो चीजें प्रोड्यूस करता है, तो उसका भी जो उद्देश्य होता है कि वो मैक्सिमम उसको जो है प्रॉफिट मिले, तो यहाँ पे भी वो क्या करता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इस ढंग से यूटिलाइज करता है कि हर एक फैक्टर की, जैसे लैंड की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेबर मतलब भी हर एक फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल हो जाती है। उसी तरह एक्सचेंज के अंदर देखो जो चीजें उसको ज्यादा बेनिफिट देती हैं और जो चीजें कम बेनिफिट देती हैं, तो वो क्या करता है कि जो चीजें कम बेनिफिट देती हैं उसकी जगह पे जो चीजें ज्यादा वैल्यू देती हैं उसको रिप्लेस करता रहता है, और वो रिप्लेस उस पॉइंट तक करता है जब तक कि सब यूनिट से मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है बराबर हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल अमंग फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल, तो यहाँ पे भी वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। पब्लिक फिनांस जो है, जैसे फिनांस मिनिस्टर जो है हमारा टैक्स लगाना चाहता है, तो उसको होता है कि मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है सेम होना चाहिए और जो बर्डन है वो कम से कम होना चाहिए। ए कंट्री विल एंजॉय मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस ओनली व्हेन द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू द मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेविंग और कंजम्पशन इन सच ए वे के जो लास्ट यूनिट हम सेव करते हैं और जो लास्ट यूनिट हम कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है एक दूसरे के बराबर हो। उसी तरह ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी, जब एक कमोडिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट पर्सन को इस ढंग से कि मार्जिनलिटी डिराइव फ्रॉम ईच पर्सन जो है दैट शुड बी इक्वल। उसी तरह जो पैसा हमें सेविंग होती है अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे लिमिटेड इनकम है कितना पोर्शन, गोल्ड के अंदर कितना पोर्शन, बैंक डिपॉजिट के अंदर कितना, शेयर के अंदर कितना, रियल एस्टेट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन डिफरेंट फॉर्म दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ईच फॉर्म शुड गिव इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ताकि उसको मैक्सिमम जो है